प्रोग्राम नंबर 9.3 है। प्रोग्राम हमने लिखना है सी लैंग्वेज में। कि जो तमाम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करें, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, पहले उसकी लाइब्रेरीज इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड इनपुट आउटपुट के लिए conio.h, मेन फंक्शन। इस प्रोग्राम को हम अभी रन भी करेंगे इंशाल्लाह टर्बो C++ में, ठीक है। तो ये इंटीजर डाटा टाइप का हमने एक वेरिएबल ले लिया ए, और फिर एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा लिया ताकि अगर स्क्रीन पे कुछ पड़ा हुआ तो वो पहले खत्म हो जाए, और ये सेमी कॉलन लगा दिया टर्मिनेट करने के लिए। अब ये इनिशियलाइजेशन करवा दी हमने ए में, कुछ रखवा दिया जैसे हम 10 रखवा देते हैं ए में, ठीक है। अब प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट करवाने के लिए, प्रिंट एफ डबल कोटेशन में जो भी आए वो एज इट इज़ शो होता है, वैल्यू ऑफ ए, आगे कॉलन, परसेंटेज डी जो है ये कमांड होती है इंटीजर्स को शो करवाने के लिए, ये प्रिंट नहीं होगी, ये वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्लैश एन आउटपुट को नई लाइन पर ले जाने के लिए, डबल कोटेशन बंद, फिर छोटा कोमा और फिर ए आ जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद और ये सेमी कॉलन। अब चूंकि हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस लगाने हैं, तो पहला ऑपरेशन आ गया ए प्लस, ए में प्लस करो और फिर इक्वल। अब ये दो ऑपरेटर लग गए हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन आ गया प्लस का, क्या करो इसमें 5, ठीक है। इसको प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ, अब ये सेम ही लिखेंगे हर किसी में, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल टू 5, यानी ए प्लस 5, यानी 5 ए में प्लस करने के बाद जो वैल्यू शो होगी, ठीक है। तो परसेंटेज डी इंटीजर को शो करवाने के लिए होता है, और स्लैश एन आउटपुट को नई लाइन पे ले जाने के लिए, डबल कोटेशन फिर सिंगल और फिर ए आ गया, अब ये बंद होगा। फिर दूसरा असाइनमेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन, ए माइनस इक्वल टू 5, इस तरह प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ डबल कोटेशन वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए माइनस इक्वल टू 5 परसेंटेज डी स्लैश एन, परसेंटेज डी स्लैश एन डबल कोटेशन सिंगल कोमा ए, ठीक है। अब प्लस का भी हो गया, माइनस का भी हो गया, और मल्टीप्लाई का, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। अब ये डबल ऑपरेशन है, ठीक है, असाइनमेंट भी और ये साथ मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ डबल कोटेशन वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 परसेंटेज डी स्लैश एन डबल कोटेशन कोमा ए, ये हो गया बंद, ठीक है। अब ये तीन हो गए, प्लस वाला, माइनस वाला, ज़रब वाला, अब डिवाइड वाला, ए डिवाइडेड इक्वल टू कुछ भी ले लो, 5 ही ले रहे हैं तो 5 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट एफ, प्रिंट एफ डबल कोटेशन वैल्यू ऑफ ए
इक्वल टू 5% जो यहाँ लिखेंगे वही प्रिंट होगा, तो जरूरी है मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखें, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मेन चीज़ ये है कि हमने ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाने हैं, ठीक है। तो अब आउटपुट लेने के लिए गेट सी एच फंक्शन होता है, गेट सी एच, और ये ब्रैकेट शुरू की थी, ये बंद हो गई। ले जी ये था प्रोग्राम, तो मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले वैसे चलाते हैं, फिर कंप्यूटर पर चलाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्रोसेसिंग का प्रोसेसिंग, और यहाँ ये आउटपुट जो हमें नज़र आती है, प्रोसेसिंग हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। प्रोसेसिंग में एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ए, फिर क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन साफ हो गई, ए में रखेगा 110, ठीक है। अब आउटपुट में ये मैं इकट्ठी शो होगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कैसे आएगा। प्रिंट एफ इधर आउटपुट में वो लिखेगा वैल्यू ऑफ ए कॉलन, अब परसेंटेज ही जाएगा ए के पास, ए की वैल्यू में क्या लिखा हुआ 10, तो यहाँ कर देगा 10। अब पॉइंटर स्लैश एन से न्यू लाइन नीचे आ देगा, आगे चलेगा प्रोग्राम ए प्लस 5, ए में प्लस 5 कर देगा, 10 को क्या कर देगा वो 15, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। अब प्रिंट ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल टू 5 कॉलन, अब ये प्रोसेसिंग में ए में क्या पड़ा हुआ 15, तो यहाँ वो जब परसेंटेज जी जाएगा ए के पास, तो यहाँ पर क्या आउटपुट में जो होगा 15, ठीक है। अब स्लैश एन से वो नई लाइन पे अगले आउटपुट देगा, ठीक है, आगे आ जाएगा। अब ये तो हो गई ए, अब ए माइनस 5 का मतलब है ए में से 5 माइनस करो, ये प्रोसेसिंग चल रही है, ये हमें शो नहीं होती। अब फिर ये 10 हो जाएगा, अब जब प्रिंट में शो होगा वैल्यू ऑफ, ये ऐसे आएगा वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए माइनस इक्वल टू 5, तो यहाँ से अब क्या प्रोसेसिंग से आएगा ए की जगह पर 10। परसेंटेज डी जो है वो ए की वैल्यू शो करवाता है, और स्लैश एन नई लाइन पर जाने के लिए होता है, ठीक है। आगे ए मल्टीप्लाई 5, ए वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई 5 करो तो ये 50 हो जाएगा, तो यहाँ फिर आउटपुट में क्या आएगा वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो ये क्या प्रोसेसिंग में बड़ा होगा 50, तो यहाँ क्या होगा 50 शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए डिवाइडेड बाय 5, अब ए में 50 पड़ा हुआ, इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देगा, 5 10 50, तो ये अब आउटपुट में ए की जगह क्या आ गया जी 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए डिवाइडेड इक्वल टू 5 इक्वल टू क्या आएगा 10, ठीक है। आगे चलते हैं ए, अब ये मॉडुलस जो है फंक्शन या परसेंटेज फंक्शन है, ये रिमाइंडर को शो करता है, ठीक है। अब एक ए में क्या पड़ा हुआ 10, ए डिवाइड 10 करो तो यानी इक्वल टू 5 का मतलब है जब हम इसको 10 से यानी 5 से डिवाइड करें तो नीचे क्या आया, ये होती है परसेंटेज की वैल्यू, इसमें क्या आया 0, तो यहाँ एक जगह 0, तो जब आउटपुट में आएंगे तो यहाँ ए मॉडुलस इक्वल टू 5, यहाँ क्या शो होगा 0, ठीक है। इस तरह ये वाला हिस्सा में शो नहीं होगा, लेकिन ये वाला सारा हमें आउटपुट में शो होगा जब हम प्रोग्राम चलाएंगे। अभी हम प्रोग्राम चलाते हैं और आप देखिएगा कि ये जो जो कुछ हमने लिखा था ये सारा हम टर्बो C++ में, मैं अभी पहले टाइप करता हूँ फिर आपको ये सारा वहाँ से दिखाऊंगा, और फिर आप देखना आउटपुट में कैसे हमें ये वाला हिस्सा शो होगा, या अगर कोई एरर हुई तो एरर कैसे शो होगा, ठीक है। तो अभी मैं चलाता हूँ, स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना जो है ना वो टर्बो C++ खोलेंगे, जिसमें हमने अपने प्रोग्राम को रन करना है, ठीक है। स्टार्ट या अपने इंस्टॉल कर लें, नेट से आप इजीली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर लिया और ये मैंने वो प्रोग्राम लिख लिया अपने वाला, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी लाइब्रेरीज को ऐड कर लिया, और फिर मेन फंक्शन है इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्लियर स्क्रीन, और फिर हमने ए को वैल्यू दे दी 10, प्रिंट ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ ए और सेमी कॉलन परसेंटेज डी स्लैश एन, अब इक्वल टू यहाँ ये क्या आएगा यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। 2 मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, ये स्मॉल ए, क्योंकि हमने स्मॉल ए डिक्लेयर किया हुआ, अगर से मिट गया तो ब्रैकेट बंद और ये सेमी कॉलन, ठीक है।
ऐसे ही a इक्वल टू 5 जो प्रोग्राम मैंने आपको समझाया है वही सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। तो रन करते हैं इसको। रन करने के लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा, यहाँ से हम जाते हैं रन में, ये रन लिखा हुआ है, तो रन के लिए कंट्रोल प्लस F9, कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्लस F9। अब ये देखें दो एरर दे रहा है इसके अंदर, तो ये हम एरर पहले देख लेते हैं क्या एरर हैं। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और करेक्टर कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए माइनस इक्वल टू क्या है यहाँ पर। दूसरी है फंक्शन कॉल मिसिंग और कंट्रोल प्लस F9। ए मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 5। ठीक है, और फंक्शन कॉल मिसिंग, तो ये जो है ना इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ए मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 सेमी कॉलन। अब चला के देखते हैं कंट्रोल प्लस F9, फिर वही एरर आ रहा है, फंक्शन कॉल मिसिंग मल्टीप्लिकेशन। चले इसको हटा के देख लेते हैं, दोनों लाइनों को हटा के देख लेते हैं जिनमें एरर आ रहा है। अब मैं चलाता हूँ कंट्रोल प्लस F9, ये देखें आपके सामने वैल्यू, जो प्रोग्राम हमने चलाया था वही। ठीक है, वैल्यू ऑफ, ये आउटपुट आपको जो नज़र आ रही है ये आउटपुट है, पहले हमने ए दिया था वैल्यू ऑफ ए, फिर ए प्लस बी किया 15, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। अब मैं दोबारा एंटर करूँ तो ये वापस चला जाएगा, तो ए प्लस 5 और अब ए मल्टीप्लाई वाला ये यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला चला ही नहीं था। तो अगर मैं इसको दोबारा करूँ तो दोबारा करके देखते हैं, प्रिंट एफ डबल कोटेशन वैल्यू ऑफ ए माइनस 5 इक्वल परसेंटेज डी स्लैश एन, और ये बंद हो गया, और ये कोमा, और ये बंद, और ये सेमी कॉलन। अब चला के देखते हैं, ले जी अब ये भी चल गए मल्टीप्लिकेशन के लिए, करके देखते हैं, चलिए एंड पे ले जाते हैं, यहाँ से तो नहीं चल रहा, यहाँ से तो ये मिटाना ही पड़ेगा, ए ए मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ले लेते हैं ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 सेमी कॉलन, ये आगे से मिटा देते हैं, तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 डबल परसेंटेज डी स्लैश एन मंथ कॉमा ए ये बंद सेमी कॉलम, पहले वैसे अब फिर एरर आ रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट। ओहो, एक तो गेट सी एच भी नहीं लिखा और दूसरा हमने स्टेटमेंट को बंद भी नहीं किया, तो ये जब प्रोग्राम आप करेंगे तो ऐसे ही एरर हुआ करेंगे। ले जी मल्टीप्लाई वाला भी चल गया। ओके जी, तो
जो प्रोग्राम लिखा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये आपके सामने प्रोग्राम चल गया। फिर चलें दोबारा जब कभी रेपिटेशन हुई तो हम इसको रिपीट करेंगे, भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह आप सबके नसीब अच्छे करे। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो बाहर चलो भाई, तो अब यहाँ से हम एग्ज़िट कर देंगे, क्विट और सेव, और यहाँ से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है जी, ओके जी।